आई लाओ तो मुझे दो। अरे नहीं रहने दो। आई कभी ऐसा हुआ है क्या आपके हाथ में इतना सारा सामान और मैं खाली हाथ जा रही हूँ? आई लाओ मुझे दो। अरे ठीक है। अच्छा आई निर्मला इधर। मैं क्या बोल रही थी, आज जो तुम्हारा भांजा सतीश है ना उसको मैंने देखा तो उसकी और अर्चू की जोड़ी कैसी लगेगी? वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, है ना? हाँ मैं भी यही सोच रही थी। तो तू अपनी ननद से बात करना, तू अर्चना को जानती है, सब कुछ जानती है, तू उसको बता ना कि अर्चना कितनी गुनी और समझदार लड़की है, बताएगी ना? जरूर बताऊंगी। आई हाँ चलना नहीं है क्या? हाँ चला 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 चला। हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं, घर तो जाना ही है, लेकिन पहले पापा ने जो प्रसाद दिया है उसको तो लेकर चलो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। मतलब कुछ नहीं। अरे कल रात से तू घर पर नहीं है, घर की क्या हालत हुई होगी उसके बारे में सोच। बाप रे चला 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 चला। आई चल। वैसु क्या कर रही है? वो फ्रूट्स अंदर रख दे, आई वो मेरे लिए लाती है। हाँ लेकिन अगर एक दिन मैं लेके गई तो क्या हुआ, तेरी बहन ही हूँ ना। अरे बस हो गया तेरा, बहुत हो गया। तू फ्रूट्स वापस फ्रिज में रख रही है कि नहीं? नहीं मैं टिफिन में क्या लेके जाऊंगी, वैसे भी दीदी नहीं है, मेरे पराठे भी नहीं बने होंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी पूरे दिन, भूखी रहूंगी क्या? तू कैंटीन में भी तो खा सकती है ना, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खा सकती, पता है ना तुझे? ताई ताई देखना, आई ने जो फ्रूट मेरे लिए लाए वैशु लेके जा रही है। अच्छे से पराठे बना के लाती हूँ। ताई मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, तेरी ड्रॉर में होगी। बाबा आपका चश्मा यही रखा था क्या? कब से यही रखा है बाबा? आई मेरे कान के कहाँ है, नहीं मिल रहे। ये लो, तुमने वॉश बेसिन के पास रखे थे, जरा ध्यान से रखा करो ना। थैंक यू आई। कल दिन भर में इतना कुछ हुआ ना कि तुमसे तनख्वाह मांगना भी भूल गई। अरे हाँ वो तो कल ही मिल गई थी, ये लो। हाँ ये तो 8,000 ही है। हाँ पता है, 1,000 रुपए खर्च हो गए। खर्च हो गए कहाँ? आई वो मेरे फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी के लिए इतनी जिद की, आई मैं उन सबको लेके रेस्टोरेंट चली गई। अरे लेकिन पिछले हफ्ते ही तुमने अपनी सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था ना, वो भी तो बर्थडे पार्टी थी, अर्जुन ने कितना अच्छा खाना बनाया था ना। कम ऑन आई, देखो आजकल जब तक पार्टी रेस्टोरेंट में नहीं दी जाती ना तब तक उसे पार्टी नहीं माना जाता। अरे तुम नहीं समझोगी आई, टाइम्स हैव चेंज्ड। समय बदल गया इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की अहमियत कम हो गई। 400 रुपए की बात होती तो शायद मैं तुमसे पूछती भी नहीं। 1-2 रुपए बचाने के लिए मैं भाजी वाले के साथ भाव तोल करती हूँ और तुमने एक साथ 1,000 रुपए ऐसी, ये फिजूल खर्ची है। और ये 1-1 रुपया मैं इसलिए बचाती हूँ ताकि ताई की शादी में काम आ सके। हाँ या फिर वैशाली की पढ़ाई में। आई इस घर में जो भी आता है ना वो या तो ताई का होता है या फिर वैशु का, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। अरे देख देख ऐसा नहीं है। आई जाने दो ना, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुंह खोलती हूँ ना तो बुरी बन जाती हूँ। ये लो मैंने पार्टी के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन अब तुम रख लो, मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें रेस्टोरेंट में पार्टी दे सकूं। और हाँ इसके बाद मुझे पॉकेट मनी भी मत देना, मैं कहीं फिजूल खर्ची ना कर बैठूं। आई विल मैनेज। वर्षी तेरा नाश्ता। वर्षु अरे मेरी बात तो सुन, तू मेरी बात नहीं सुनेगी क्या? वर्षु अरे वर्षु सुन, वर्षु ताई प्लीज तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। वर्षा तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ? हर बार यही होता है, आई चाहती है कि हम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जिए। क्यों? पैसा इंसान के लिए होता है ताई, इंसान पैसे के लिए नहीं। वर्षा ताई तुम ही बता, हम पैसा किस लिए कमाते? ताकि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। लेकिन मेरे खुद के कमाए पैसों से अगर मैं 4 पल खुशी के नहीं खरीद सकती तो क्या फायदा इतनी मेहनत का? बोल चुकी तू, अब मेरी सुन। देख वर्षु
मैं जानती हूँ कि आई पैसे बचाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन वो पैसे किसके लिए बचाती है? तेरे लिए, मेरे लिए, वैशु के लिए? क्या तुझे पता है कि वो तेरे दिए हुए पैसों का क्या करती है? क्या करती है? घर के खर्चे में ही सब का खर्च दादा की तनख्वाह से चलता है। तेरी तनख्वाह तो जमा कर करके हम तीन बहनों के लिए गहने बनाती है ताकि हमारी शादी में काम आ सके। वो अपने लिए तो कुछ नहीं लाती, आई है ना वो, उसे तो सिर्फ देना आता है। ताई, ताई, तुमसे तो बात करना ही बेकार है सच में। तुम्हारी नजर में तो आई कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी बात सुनती हूँ, because I love you। मुझे पता है। अच्छा तो भाई से मैं माफी नहीं मांगूंगी, मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अभी मैं जाकर माफी मांगूंगी तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। और हाँ, तेरी तरफ से मैं आई से माफी मांगूंगी, समझी? बाय। ऑफिस जाकर भी क्या करूंगी, आई का भी मूड ठीक नहीं, वहां जाऊंगी तो यही सोचती रहूंगी। अरे अब क्या हुआ? मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। और तेरे बॉस? उससे मैं कल संभालूंगी। वर्षु, ताई लाइट क्यों जलाई? आज तो हेडमिस्ट्रेस का मूड टोटली ऑफ है। सुबह सुबह मुझसे अनबन हो गई, फिर वहनी की आई ने आकर इतना कुछ बोल दिया। अब मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगी। तुम्हें जाकर बात करूं ना। आई, तुम ठीक तो हो ना? तेरे बाबा के पास तो एक जोड़ कपड़ा भी ठीक नहीं है शादी में पहनने लायक। आई प्लीज एक बार तो देखो मेरी तरफ। उन लोगों के लिए भी तो कुछ लेना होगा ना, और फिर तुम लोग क्या पहनोगे? वहाँ चार लोग जमा होंगे, हम ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते। आई प्लीज। और फिर शादी भी तो कहाँ है, तो अंधेरी, मतलब डोंबिवली से अंधेरी जाने के लिए 3 घंटा पहले निकलना होगा। सवेरे जल्दी उठकर निकल जाएंगे, वरना टैक्सी से जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। कितना पैसा? आई प्लीज संभालो अपने आप को। जो बातें हमें तकलीफ देती है उन बातों को वही भूल कर आगे निकलना चाहिए, ये मैंने तुम्हीं से सीखा है। और आज तुम्हें मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ उस वक्त मुझे जरूर बुरा लगा था। वो अजीत मंजूषा का भाई ना कोई काम धाम करता है, ना उसका चाल चलन अच्छा है, फिर भी उसकी शादी तय हो रही है। तुम तो उससे लाखों गुना अच्छी हो। अर्जुन तो चिंता मत कर, तुझे अच्छा लड़का मिल जाए। अरे हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन मिलेगा जरूर, समझी? आई, तुम तो बिल्कुल डेली सोप की तरह हो। समझ में नहीं आता कब तक मार दोगे। आज जब सबको लग रहा था कि घर में ढेर सारे आप भाई हैं, तुमने बिल्कुल डेली सोप की तरह कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। चाहता है कि मेरे आंखों में कभी आंसू ना आए, और इसीलिए वो सब कुछ अच्छा कर ही देते हैं। चलो यार जल्दी ट्रेन आती ही होगी, अगर ये ट्रेन भी छूट गई ना तो अगले 2 घंटे तक इसी स्टेशन पे डेरा डालना होगा। ना पापा ना, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती, घर पे कितना काम पड़ा है। चलो चलो। क्या यार अर्चना,
कभी तो अपने घर की बातें घर में छोड़ के आया कर। एक तो इतने दिन बाद हम सब साथ आए हैं और ऊपर से तुम हो कि आइको। अरे दिखाना डिवाइन लव, ये वही प्रेम कहानी है ना जिसमें फूलों की दुकान में काम करने वाली पूजा से रहेजा एम्पायर के बेटे मयंक को प्यार हो जाता है। हाँ। और आगे चलकर उस लड़की की शादी उसी शहजादे के भाई से हो जाती है। थैंक्स हाँ, कहानी का एंड पहले से बताने के लिए। कम ऑन यार स्वाति, ये कौन सी सस्पेंस थ्रिलर है? हर लव स्टोरी का एंड एक जैसे ही होता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यही तो फंडा होता है हर प्रेम कहानी का, क्यों अर्चना? हाँ। माधुरी ट्रेन। अरे अरे जल्दी यार, लेडीज कंपार्टमेंट काफी आगे है, चलो जेंट्स में चढ़ जाते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी। थैंक गॉड, मुझे तो लगा ये ट्रेन गई। ये सब कुछ तुम्हारे इस लव स्टोरी के चक्कर में हुआ है। पर सच कहूँ स्वाति, ऐसा प्यार तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। लड़की बचपन से अपने हीरो के सपने देखती है और अचानक ही वैलेंटाइन की रात उसका प्रिंस चार्मिंग उसे मिल जाता है। असल जिंदगी में भी भला कभी ऐसा प्यार होता है? तो कैसा होता है, हम भी तो सुने। वेल आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एग्जैक्टली। प्यार तो बस हो जाता है यार। अब देखो ना, कोई भी आम लड़की हमारे जैसी उसे उसका सच्चा प्यार, सच्चा साथी कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। कहीं भी? हाँ कहीं भी, यहाँ तक कि ट्रेन की इस भीड़ में भी।